कहते हैं राजनीति एक कीचड़ है और औरतों के लिए ये और भी खराब है, जहां हर दिन आपके कैरेक्टर को लेकर कई तरह की बात की जाती है। ऐसी ही एक महिला की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे भरे सदन में बाजारू कहा गया, जिस पर अपने पति की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया गया। सिंगल मदर होने की वजह से हर वक्त दुनिया को अपनी मातृत्व का सबूत देना पड़ा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में परी बढ़ी अलका लांबा की, जो आज राजनीति के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। लेकिन दूर से देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर पास जाने पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। ऐसे ही कुछ अलका की भी कहानी है। स्कूल कॉलेज से राजनीति तक का यह सफर अलका के लिए कांटों से भरा रहा। छह बहनों और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली अलका का बचपन भी आम लोगों की तरह ही बीता, लेकिन शादी के बाद उनके जिंदगी की नाव उलट पड़ी। 20 साल में ही अलका की शादी हो गई थी, 22 की उम्र में बच्चा और 25 साल में तलाक। रोलर कोस्टर की तरह लाइफ बस घूमे जा रही थी, किस्मत कहाँ ले जाने वाली थी कोई आइडिया नहीं था। 18 साल की उम्र में छात्र राजनेता बनी अलका को तलाक के लिए कोर्ट के दिन रात चक्कर काटने पड़े। भरी अदालत में लोग उनका नाम चीख चीख कर बुलाते, पर नाम की चीख का यह सिलसिला केवल अदालत तक सीमित नहीं रहा, ये आकर रुका अलका के घर तक। आधा अधूरा सच जानने वाले लोगों ने अलका को पति की छोड़ी हुई औरत का टैग दे दिया। लोगों की गलतफहमी दूर करते करते रोजाना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते डिग्री और बच्चे के बीच अलका इतनी उलझ चुकी थी कि उन्होंने 1999 से 2003 तक राजनीति से दूरी बना ली। इस ब्रेक के दौरान उन्होंने खुद को समाज से लड़ने के लिए और मजबूत बनाया। फिर 2003 में सोनिया गांधी ने उन्हें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बना दिया। ऐसा कह सकते हैं कि अलका अब राजनीति के दलदल में फंसने वाली थी। अब तक तो उनका गोल्डन पीरियड चल रहा था, राजनीति का असली सफर तो अब यहाँ से शुरू होने वाला था। 2003 में कांग्रेस ने उन्हें मदन लाल खुराना के सामने एमएलए का टिकट दिया। मदन लाल ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के सामने अलका को पति सास को पीटने, संपत्ति हड़पने वाली एक लालची महिला के तौर पर पेश किया। अपने कार्यकर्ताओं से ये तक बोल दिया कि जब वो लोगों से वोट मांगने जाए तो उनसे ये पूछा जाए कि उनके पति ने उन्हें क्यों छोड़ा। लोगों ने ऐसा भी किया। अलका के लिए ये दौर उनकी जिंदगी का एक भयानक दौर था। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि राजनीति का स्तर बहुत नीचे है, पर वो इससे डरी नहीं। खुद को ऐसे तैयार किया, इतना मजबूत बनाया कि वो राजनीति के इस दलदल में खुद को सस्टेन कर सके। लांगशन लगाने का सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। 2017 में भाजपा के ओपी शर्मा ने अलका को भरे सदन में बाजारू कह डाला, पर इस बार अलका चुप नहीं बैठी। उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और एक साल के लिए ओपी शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। अलका का कहना है कि अगर आप औरत हैं और राजनीति में कदम रखती हैं, तो आपकी अपनी निजी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लोग आपको हर पल इसका एहसास कराते रहते हैं। सोशल मीडिया पर साड़ी के बजाय जीन्स पहनकर फोटो डाल दो तो सवालों की लड़ियां और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिया जाता है। राजनीति के इस दलदल में औरतों को फूल की कली नहीं बल्कि कांटों से भरा गुलाब बनकर रहना पड़ता है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, अगर आप बाहर भी निकल रही हैं, तो आपको हर कदम पर चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। औरतों के लिए सिर्फ राजनीति ही नहीं, हर फील्ड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना रहता है, तभी आप किसी भी फील्ड में सस्टेन कर पाएंगी।